मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है, अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं, जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। गोलियों के तत्राहट से प्रतिदिन बिहार का कोना कोना थर्राता है। जब निकलता है सुबह घर से, शाम को जब तो सुरक्षित नहीं लौटता, लगता है परिजनों को कि मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, पूरी तरह से बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है, और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासक तो अचेत ही है, इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं बिहार में। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है, और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।